अच्छी अभिनेत्री बनने के लिए श्रीदेवी जाह्नवी को समझाती थी ये बातें, बेटी ने किया खुलासा। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर हाल ही में मामी फिल्म फेस्टिवल में पहुंची। यहां उन्होंने हिंदी सिनेमा को लेकर ढेर सारी बातें की। साथ ही जाह्नवी ने मां और बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी के बारे में भी बात की। जाह्नवी कपूर ने मां श्रीदेवी के बारे में बात करते हुए बताया कि फिल्मों में आने से पहले श्रीदेवी उन्हें क्या क्या सिखाती और समझाती थी। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की खबर के अनुसार मामी फिल्म फेस्टिवल में पहुंची जाह्नवी ने श्रीदेवी के बारे में बात करते हुए बताया कि उनकी मां उन्हें अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या समझाती थी। उन्होंने कहा, मेरी मां हमेशा मुझे कहती थी कि आप जो भी सोचते और दिल में लेकर चलते हैं वे आपके चेहरे पर नजर आता है, इसलिए एक अच्छे कलाकार को अच्छा इंसान भी होना चाहिए क्योंकि कैमरा सब पकड़ता है। बीते रविवार को जाह्नवी कपूर ने अनन्या पांडे, राधिका मदान, अविनाश तिवारी और मृणाल ठाकुर के साथ मामी फिल्म फेस्टिवल में दस्तक दी। कार्यक्रम इन सभी ने पूछे गए सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इस दौरान कलाकारों से एक दिलचस्प सवाल पूछा गया जिसका सभी ने बेबाकी से जवाब दिया। कलाकारों के सामने यह सवाल आया कि अगर आपको हिंदी फिल्म जगत से किसी एक चीज को खत्म करने को कहा जाए तो वह क्या चीज होगी। इस पर सभी एक्टर्स ने हिट फिल्मों के लिए बड़े हीरो के होने के चलन पर सवाल खड़ा किया और इसे जल्द से जल्द बदलने की जरूरत बताई। सभी कलाकारों ने एक सुर में कहा कि आज भी अभिनेत्रियों के लिए ऐसा मापदंड है कि पहले वे कमर्शियल फिल्मों में नाम करें, उसके बाद उन्हें कहीं महिला आधारित फिल्म मिल सकती है। जाह्नवी और अनन्या ने कहा कि आज भी उनसे यह पूछा जाता है कि आपकी अगली फिल्म में आपके साथ हीरो कौन है, तो वहीं राधिका और मृणाल ने कहा कि पटाखा और लव सोनिया में हम दोनों के काम की तारीफ मिली, लेकिन कमर्शियली सफलता ना मिल पाने की वजह से आज भी हमें बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं।